हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ सतपति एनएस यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो आज का जो ब्लॉग है, मेरा खुद का एरिया का ब्लॉग है और मेरा खुद का घर के पास का ही ब्लॉग है। तो इधर आपको पता होगा कोणार्क टेम्पल जो है, जो कि आप, मैं भी उसके ऊपर एक ब्लॉग बनाया हूँ। वो शायद ये जो ब्लॉग रिलीज होगा उससे पहले आ चुका होगा, नहीं तो आएगा आगे। तो वो जो ब्लॉग है, तो वही रास्ते पे हमारा एक रहता है बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल के, उसको बालूखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। तो उसी जगह पे उधर डियर बियर आपको देखने मिल जाएगा। अभी तो मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप आ सकते हैं अंदर, और आप अगर आप अंदर आएंगे तो आपको जो व्यू मिलेगा वो है ऐसा पूरा सुनसान बीच, एक दो आदमी आपको दिखेंगे घूमते हुए, और उधर सी माउथ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। इधर नेचर के यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है। तो आने का टाइम, जो एंट्री करने का टाइम, जो कुछ सीन है मेरे घर से आने के अंदर, तो वो सीन आपको दिखा देता हूँ। उधर आपको टिकट करना पड़ेगा, और पर पर्सन आपको टिकट 40 रुपीज़ आएगा, और अगर आप बाइक लेके आ रहे हैं तो उसका 10 रुपीज़ चार्ज है, और कुछ दूसरा चीज़ में आ रहे हैं तो उसका शायद ज़्यादा चार्ज है, मुझे पता नहीं है, लेकिन बाइक का 10 रुपीज़ चार्ज है। और थोड़ा ऑफ रोड है, वो ऑफ रोड भी आप देख पाएंगे। मैं अभी जो ब्लॉग आगे बढ़ाऊंगा वो ऑफ रोड आप देखेंगे। और ये जो एरिया देख रहे हैं, मतलब बीच बहुत साफ है, पहला चीज़ नेचुरल है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई मेंटेन करके रखा है, नेचुरली साफ है और सी है। और आपको एक एडवाइस है, इधर आके नहाना वहाना मत करना, क्योंकि ये बहुत डेंजर है। आप सी आइए, बीच को देखिए, एंजॉय करके चले जाइए दूर में। मतलब पानी में जाना ही डेंजर है, पहले वो वार्न कर लेता हूँ, पानी में जाना ही डेंजर है, क्योंकि सीमा जैसा एरिया है, और इधर नहाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इधर से आपको दिख जाएगा सन, तो सनसेट अभी हो रहा है धीरे धीरे, अभी तो नहीं हुआ है, अभी 3:30-4 बजे बजा है, तो धीरे धीरे सनसेट हो जाएगा। एक बार सनसेट हो जाएगा तो उस टाइम तक मैं रुकूंगा कि नहीं रुकूंगा गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा जगह आपको दिखाना है, और मुझे घर में जाके थोड़ा काम भी है। 5 बजे मेरा जो अंकल है उनको लेके कोई दूसरा जगह जाना है। तो इधर देखिए, ये वाला व्यू इधर से और ये वाला व्यू इधर से, आप लोग मेरे साथ थोड़ा ये बीच का नज़ारा एंजॉय कीजिए, उसके बाद नेचर के हम चलते हैं, ठीक है। और उसके जो बीच का नज़ारा एंजॉय करने से पहले जो आने का जो सीन था वो थोड़ा देख लीजिए, क्या बोलते हैं, चलिए। तो सुबह सीन ऐसा था कि बहुत जोर से बारिश हो रहा था, तो उसके बीच मैं चला गया था, मेरे घर के पास में काली माता का एक मंदिर है जो कि बहुत फेमस है। तो आप मेरे साथ काली माता का मंदिर का और काली माता का दर्शन कर लीजिए, उसके बाद जैसे कि मैं आप सबको पहले बताया ये ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, आप लोग ये सब जगह देख रहे हैं, ये पार्किंग के लिए है। आज सुबह बारिश हुआ था इसलिए ज़्यादा लोग नहीं है इधर, तो पूरा पार्किंग प्लेस है ये। और इधर से आपको बीच मिल जाएगा, ये थोड़ा वॉकेबल डिस्टेंस है और बीच आपको मिल जाएगा। तो कोविड के टाइम है इसलिए मास्क वास्क पहन के आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये मेरा कजिन ब्रदर है चंदन, और इनका भी चैनल है पुअर इंडियन ट्रैवलर्स करके, बहुत ही अच्छा चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जाके। और ये सुरेश कुमार नंदो, जिन इनको थोड़ा कैमरा में आने के लिए कंफर्टेबल नहीं लगता है, ये सिर्फ सेल्फी वेल्फी वगैरह, मतलब फ़ोटो फोटो खींचने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। और ये हमारा जुपिटर जिसमें हम आए हैं, और ये पूरा पार्किंग प्लेस कोई नहीं है, एक कोई टू व्हीलर रखा है, और आसपास पूरा खाली है। तो ये था वही ऑफ रोड जिस रोड पर हम आए इधर, तो इधर से हमको, और उधर से सी माउथ कितना दूर है थोड़ा देखते हैं, अगर वाकेबल डिस्टेंस होगा जाएंगे, नहीं तो बीच थोड़ा व्यू लेके चले आएंगे, उसके बाद वो नेचर कैंप है एक बार चेक कर लेंगे, उधर फी भी वगैरह लग रहा है कि नहीं, अगर नहीं लग रहा है तो थोड़ा जाके उधर घूम के आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं। तो भाई लोग, ये जो आप बीच रखे हैं ये वही बीच है, और मैं जो ऑफ रोड दे के आया वो ऑफ रोड भी ख़त्म हो गया, और ख़त्म होने के बाद आपको ये बीच मिलेगा, पूरे जो बोलते हैं ना पूरा क्राउडलेस, मतलब कोई भी बीच में नहीं है, ये वो वाला।
व्यू दिख रहा है, कैमरा में देख पा रहे हैं कि नहीं, मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपके खुली आँखों से जो व्यू आएगा इधर वो लाजवाब है, क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। उधर सूर्यदेव बताए, उधर बारिश शायद हो रहा है बुरा बुरा दूर में, क्योंकि आज सुबह इधर पूरी में बारिश हुआ था। और ये जो सिल्वर कलर का वेव्स, तो ये क्या कर रहा है ना, ये जगह को पूरा जस्टिफाई कर रहा है, और बिल्कुल भी क्राउडेड नहीं है, क्योंकि जो लोकल मतलब आसपास गांव के लोग हैं, एक दो दुकान देखे। ये मतलब जो बालूकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, तो इधर से हम एंट्री करके अंदर आए थे, तो ये जो आप साइड में जो जगह देख रहे हैं वो भी फ़ोटो खींचने के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप अगर अच्छा DSLR लेके आ रहे हैं तो फोटो वोटो खींचने के लिए बहुत ही बढ़िया। और अच्छा चीज़ ये है, मतलब बिल्कुल भी मतलब गंदा नहीं है, कोई प्लास्टिक बोतल ऐसा कुछ नहीं है, और पूरा एरिया पूरा साफ़ सुथरा है, तो वही चीज़ है। और आप उधर उधर फ़ोटो भी खींच सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा फ़ोटो खींच सकते हैं, तो ठीक है जगह ठीक। लेकिन टिकट प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि 40 रुपया टिकट दे के पर पर्सन सिर्फ उतना कुछ नहीं है ना, और कुछ होना चाहिए। तो नेचर कैंप जाएगा, अगर नेचर कैंप में कुछ अच्छा मिल गया है तो टिकट प्राइस का वैल्यू आ जाएगा। गाइस, तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है ये वो है, और ये डियर के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, तो ये वही है पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारा उड़ीसा में, हमारा पुरी में कुछ 2 साल पहले एक बहुत ही ख़राब चीज़ हुआ था, एक साइक्लोन आया था जिसको फोनी बोलते हैं, जो पूरी में आज तक जो साइक्लोन आया है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक साइक्लोन था, और उस साइक्लोन की वजह से बहुत सारा चीज़ ख़राब हुआ है। लेकिन हम लोग और हमारा गवर्नमेंट जो इधर है बहुत ट्राई करके कुछ रिकवर किए हैं, और कुछ नहीं बहुत ज़्यादा, तो 2 बार हमारा उड़ीसा जो है वो साइक्लोन देख चुका है। और वो साइक्लोन का जो चीज़, मतलब साइक्लोन तो चला जाता है, उसके साथ लोग भी धीरे धीरे भूल जाते हैं, मतलब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ साइक्लोन छोड़ के जाता है। क्योंकि ये जो एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा जंगल था, लेकिन अभी देखिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा, कोई भी पेड़ है ऐसा नहीं है जिसका ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, मतलब हिस्सा है, तो वैसे ही इतना खतरनाक साइक्लोन, ये पूरा एरिया पूरा जंगल था, और अभी धीरे धीरे करके फिर से जंगल आ रहा है, और जंगल भी आ जाएगा, लेकिन वो वाला जो साइक्लोन कोई भी नहीं पूरी में भूल पाएगा, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक था वो साइक्लोन। साइक्लोन को बार बार झेल के उससे रिकवर करना हम लोग सीख गए हैं, तो यही बड़ी बात है उड़ीसा गवर्नमेंट का और उड़ीसा के लोग का। तो आप लोग आइए, द बेस्ट केप्ट सीक्रेट इज उड़ीसा इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो आप उड़ीसा आइए, उड़ीसा आए तो ये जगह पर आए, अगर टाइम मिलता है, अगर आप ज़्यादा दिन के लिए ट्रिप पे आते हैं तो ये जगह पे आइए, और ऐसा अच्छा सा मतलब व्यू है कि मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोग सब लोगों को मैं शायद सीमा दिखा सकता हूँ, वो शायद नहीं, मैं सच में जा रहा हूँ, थोड़ा दूर है उधर से जिधर से हम आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए वो जगह जाके आपको थोड़ा उसका व्यू दिखाना मतलब मुझे लगा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग एक तो जगह देख के नहीं आएंगे ना, और कुछ भी आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग, तो आपको एक ही जगह पसंद नहीं आएगा, आपको थोड़ा दूसरा जगह दिखाऊंगा, क्योंकि है पास में और थोड़ा वॉकेबल डिस्टेंस है, और इवनिंग का टाइम है तो इवनिंग वॉक भी हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए, आप ये जो देख रहे हैं ये रास्ता, और इतना ही रास्ता कंप्लीट करना पड़ेगा, वो दूर आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सीम आउट, वो उधर पहुंच के आपको पूरा वो व्यू दिखाता हूं। और अभी टाइम हो गया है 4:45 के आसपास, तो मेरा जो काम था वो भी ख़त्म हो गया, 15 मिनट का मैं इधर ब्रेक लिया था तो वो भी ख़त्म हो गया, तो वो सीम आउट आपको दिखाता हूं, वो सीम आउट एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर नेचर कैंप हो सके जाएंगे, नहीं तो सीधा चल जाएंगे, क्योंकि नेचर कैंप में मुझे इतना लगता है शायद फी भी लगेगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो उधर जाके बात करते हैं। और ये जो आप देख ही रहे हैं ना, ये जो पेड़ वेड़ वगैरह शायद इधर पहले, मैं इधर पहले बार आया हूँ, तो मैं उस साइड जो कोणार के साइड में जो वाला जगह था वो गया हूँ पहले, लेकिन इस साइड पहली बार आया हूँ, आप देख सकते हैं। और ये शायद पहले इधर पेड़ वेड़ था, क्योंकि इधर बहुत सारा मतलब तबाही मचा हुआ है ऐसा लग रहा है, तो शायद पेड़ वेड़ पहले था, नहीं तो वो पेड़ वेड़ उधर से वो समंदर मतलब लेके चलाया है इधर, तो ये सब एरिया आप देख रहे हैं, तो थोड़ा ये गंदा नहीं है, ये नेचुरल है, ये गंदा नहीं है, इधर कोई भी मतलब ये इधर चीज नहीं है, लेकिन इधर जैसे आसपास आते हैं आपको पता है ना, थोड़ा लो हमारा जो रहता है ना, थोड़ा जो चीज़ थोड़ा इंसान को हल्का बना देता है वो चीज़ इधर गिरा है, वो लोग के लिए तो ये सब जगह तो जन्नत है। तो फैमिली सेफ्टी के लिए मैं आपको बोलूँगा, आप अगर आप आ रहे हैं तो दिन में आइए, दिन में आके 4-4:30 बजे के अंदर निकल जाइए, क्योंकि रात में रहना इधर इतना क्या है ना, मतलब अक्वेंटेड नहीं हुआ है प्लेस के साथ, तो इतना सही नहीं है ये जगह।
तो चलिए आगे सीमा देखते हैं, उसके बाद निकलते इधर। तो गाइस आप लोगों को दिख रहा होगा सामने जो सीमा थे वो आ गया है। तो ये पूरा सीमा का नज़ारा है और ये आसमान और ये बीच का बैक साइड जिधर से मैं आया हूँ इधर। तो हम लोग इधर जा रहे हैं, मेरा दोस्त उधर जा रहे हैं दोनों। तो साइड में देखिए जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा आ रहा है, वो आइलैंड जैसा आपको देखेगा। और ये है सीमाउथ। तो सीमाउथ आप सबको दिखाना था क्योंकि सिर्फ एक जगह दिखा के जाना अच्छा नहीं लगेगा। तो सीमाउथ देखिए आप, आपको पूरा उसका व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा दिखेगा आपको। और एक बार वो आप देख लीजिए, उसके बाद इधर से निकलते हैं, शाम भी होने वाला है। शाम हो जाएगा तो कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, नेचर कैंप फिर कभी दिखाएंगे, क्योंकि जो जितना भी चीज़ दिखाएंगे आपको अच्छे से दिखना चाहिए और आप लोग उसका मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ प्रॉपर व्यू लेना चाहिए। और ये मैं बता देना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जो रिवर का नाम है नुआनोई, तो नुआनोई है और ये बे ऑफ बंगाल। तो नुआनोई जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं न्यू रिवर, लेकिन उसका नाम वही है नुआनोई। तो वो वाला रिवर इधर आके मिलता है। तो ये है सीमाउथ, तो बहुत ही वाइड प्लेस है। और इधर फिर से आपको बताना चाहता हूँ, नहाने के लिए कोशिश भी मत करना क्योंकि पूरा डेंजर है। नहाना मतलब सही नहीं ये सब जगह पर, मतलब तो थोड़ा समुंदर डेंजर रहता है। तो आप देखिए ये जो रिवर इधर से आ रहा है और इधर जाके बे ऑफ बंगाल में मिल रहा है। तो वही चीज़ है, आप लोग इधर का थोड़ा नज़ारा देख लीजिए, इसके बाद इधर से हम निकलते हैं। वो एरिया थोड़ा दिख रहा है छोटा सा आइलैंड, लेकिन उधर जाना सही नहीं है, डेंजर है। अब देख लीजिए मछली वछली पकड़ रहे लोग, तो बहुत ही अच्छा जगह है। उधर ब्रिज है, मैं वो ब्रिज देख के आया था। मैं कभी उस टाइम सोच रहा था ये रिवर जिधर मिल रहा है तो उधर जाके कभी मतलब देखूं, तो आज आ गया है वही जगह पर। देखिए अभी हो गया है सनसेट और निकल रहे हैं हम घर, ऑफ रोड होते हुए अंधेरा के बीच जंगल के रास्ते निकलते हुए हाईवे पे। और आसमान थोड़ा नीला नीला और रास्ता थोड़ा क्या बोलते हैं लाल लाल, कुछ मतलब शेरो शायरी नहीं आ रहा है ठीक पे। तो यहाँ पे ब्लॉग को एंड किया जा रहा है। कैसा लगा ब्लॉग आप लोग को कमेंट सेशन में ज़रूर बताएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट है वो भी बताएगा। और एक चीज़ सब्सक्राइब पूरा अच्छे से करना, जो लोग नए हैं नीचे एक रेड बटन है उसको थोड़ा प्रेस करके चले जाना, पूरा फ्री है। अमेजन प्राइम और हमारा क्या है नेटफ्लिक्स, इस तरह कोई भी चार्ज नहीं है, आपको अच्छा अच्छा ब्लॉग फ्री में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ये आ गया एंड ऑफ रोड का और हम करते हैं इसके साथ ब्लॉग को एंड। आप लोग अपना ख्याल रखिए, टिल देन टेक केयर, बाय।